आप सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नजमुल हक है और अभी हम जो विद्यालय में आदर्श विद्यालय प्रांगण में अभी आपको हम बता दें कि आज 7 नवंबर को आदर्श विद्यालय खेड़िया के प्रांगण में रिजल्ट डे का घोषित किया गया। हर विद्यालय में जो रिजल्ट डे घोषित किया गया है, आप देखिए बच्चों के जो हाथ में है अर्धवार्षिक का जो परीक्षा किया गया है उसका आज रिजल्ट घोषित है। इसलिए आप अभिभावक को जितने भी गार्जियन लोग हैं और जितने भी गणमान्य लोग आए उसका आमंत्रण इसलिए किया गया है ताकि आप अपने बच्चे का रिजल्ट देखिए। और अगर आप उसको कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, हमारे प्रधान अध्यापक भी हैं, आप कुछ राय भी दे सकते हैं। अपने बच्चा अर्धवार्षिक का है और अभी बच्चे भी कम आ रहे हैं, इसलिए आप सभी माँ अनुभव अभिभावक से अनुरोध है कि बच्चे को भेजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे विद्यालय में या शिक्षकों में कोई भी कुछ त्रुटि हो तो विद्यालय आइए, हमारे प्रधान अध्यापक से मिलिए और जानिए, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के अभिभावक आए हैं, उन्हीं लोग से कुछ बातचीत भी करेंगे और क्योंकि पता चले कि आज शिक्षा के भर्ती है तो इसके ये पहले इस प्रकार नहीं होता था। अब ये जो सरकार धीरे धीरे हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज का गति नई नई चीज का प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते रहती है, तो इसी से हमारे गार्जियन लोग आए हैं। ये हमारे मुकम्मल साहब हैं और हम सबसे पहले आपको ये वर्ग 8 में आपकी एक छात्रा है, आपकी बेटी पढ़ाई करती है सर, तो आप बताइए क्या आपने अपने जो बच्ची का रिजल्ट देखा आपने? आइए तो इधर आइए। मैं तुम्हें कुछ परेशानी है ऐसा लग रहा है। ये वाला किसका था लीजिए तो? बाकी अच्छा ये है खुशबू परवीन, वर्ग आठ की छात्रा है। मुकम्मल जी बताइए कि ये आज ये रिपोर्ट सौंपा जा रहा है, कुछ बताइए किसमें आपको क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि कुछ क्या चेंजिंग करना चाहिए हम लोग को और बच्चे में क्या प्रोग्रेस होना चाहिए? मैथ का जो उसमें के जो आया था क्वेश्चन वो कुछ मैच नहीं कर रहा था, अलग कर रहा था, उसको ध्यान दिया गया। बच्चे तो ठीक ठाक है और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनके लिए तो पाठशाला सब कुछ है और जो ना पढ़े उनके लिए क्या? चलिए 2040 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी लगा, एक गार्जियन का फीडबैक मिलता है। अब और भी अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा सादिया कहाँ है? वर्ग सेवन की छात्रा है, अभिभावक के रूप में उनके मामा जी आए, आपका नाम बताइएगा। मिताली जी आप अपने बच्चे का क्या कहते हैं, ये देखिए प्रगति पत्र, देखिए ये प्रगति पत्र वर्ग आठ के से हमारे शिक्षक जो है मोहम्मद नाजिम जी है और साथ से ये सप्तम है, वर्ग साथ में है, तो ये आपको दिखाने के लिए बुलाया गया था कि आप इसको देखिए, अपना राय भी दीजिए। आप लोगों को चाहिए कि आप डिस्कशन करवाइए बच्चों को, अच्छा जिससे ज़्यादा डेवलप मिले, दूसरी बात मुझे सारे बच्चे इंग्लिश डिस्कशन कराइए, पोएम ही सही से नहीं आता, किसी बच्चे को पोएम बात शायद सीखने की कमी है या और कुछ है, अच्छा इंग्लिश में बहुत कमजोर है, हाँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है मैथ पे ध्यान दीजिए, हाँ मैथ पर ग्रुप डिस्कशन कराइए, अच्छा तो बच्चे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका राय को हम लोग आगे विचार रखेंगे और आपको आप जो बताएं ग्रुप डिस्कशन, मतलब गार्जियन का मेन मुद्दा है कि ग्रुप डिस्कशन बच्चे के साथ बहुत ही जरूरी है, आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसका बारे हम समीक्षा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए भी जोरदार ताली स्वागत कीजिए, बहुत अच्छा। हाँ इधर से भी गार्जियन अगर कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं इधर पे गार्जियन के रूप में विद्यालय के आप लोग बन गए हमारे आगंतुक सम्मानित गणमान्यगण, आज विद्यालय में रिजल्ट डे का आयोजन रखा गया है, खास करके इसमें
ऐसा कार्यक्रम बहुत कम होता है। इस बार सरकार की योजना है कि रिजल्ट डे के दिन अभिभावकों को बुला करके उसके बच्चे को प्रगति पत्र देते हुए उससे कुछ मार्गदर्शन लेना। आपको यदि कुछ उसमें कमियां नज़र आ रही है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव, चूँकि 18 घर के बच्चे आपके साथ रहते हैं, मेरे पास 6 घर के बच्चे रहते हैं, 18 घंटे में आप यदि 1 या 2 घंटे भी बच्चों को देते होंगे तो बच्चे आपसे झूठ कब नहीं बोल सकेंगे। बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, हो सकता है कि गार्जियन घर से बच्चे को छोड़ते हैं और वो बच्चा मेरे पास नहीं आता है, इसका बीच में लिंक टूट जाता है। तो बच्चे वापस जब जाते हैं तो आप शाम में ज़रूर पूछें कि तुम गया तो क्या लिखा, कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ज़रा कॉपी दिखाओ। तो हम मूर्ख हैं, भले नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यदि हम बच्चे को कह देंगे तुम दिखाओ तो बच्चे भयभीत हो जाएंगे। बच्चा कभी भी दूसरे दिन बोलना बंद कर देगा, दूसरे दिन भी बोलना बंद कर देगा। सुबह शाम बैठने के लिए कुछ कहिए, यदि बच्चे बैठते हैं आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो बच्चे को कहिए कि जोर जोर से पढ़ो। यदि बच्चे जोर से पढ़ेंगे तो बगल वाले बच्चे यदि पढ़े लिखे ज़्यादा वो उससे होशियार बच्चा है तो वो कहेगा यहाँ तुमसे गलती हो रही है, तुम हिजा स्पेलिंग गलत कर रहे हो, तुम यहाँ गलत बोल रहे हो। तो बच्चा कभी भी सोच के बोलेगा, हमेशा वो झूठ बोलने की आदत को भूल जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संबोधन को समाप्त करते हुए पुनः आपसे यही आग्रह करेंगे, बीच बीच में आते रहिए, अपना मार्गदर्शन से हमें लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।